वेल कौन कहता है कि गेमिंग पीसीज में आपको यूपीएस का जरूरत नहीं है। आई थिंक गेमिंग पीसीज में यूपीएस का और ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपका जो अच्छे खासा ब्रांड्स का यूपीएस आता है वो सिर्फ ना ही आपको बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता है आपके पीसी के लिए, साथ साथ आपका जो पीसी कंपोनेंट्स है उसको लाइटनिंग स्ट्राइक से, ओवर वोल्टेज से, सर्ज से यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है, एज वेल एज आप जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हो उसको सेव करने का टाइम देता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो और करंट चला जाता है तो आपका प्रोजेक्ट जो है बाद में करप्टेड दिखाता है, तो उस तरीके का जो प्रॉब्लम्स है वो यूपीएस प्रिवेंट करता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूपीएस जो है एक इन्वर्टर से काफी लेस कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आपको ही पता है, मेरे को ही पता है, घर में एक इन्वर्टर इंस्टॉल करना काफी झंझट वाला काम है, क्योंकि उसमें आपको इलेक्ट्रिशियन बुलाना पड़ता है, उसके बाद बोर्ड पे यहाँ पे वायरिंग का काम कराना पड़ता है, उसमें जो है काफी ज्यादा पैसे भी लग जाता है। तो अगर आप सिर्फ अपने पीसी को पावर देना चाहते हो तो मेरे हिसाब से यूपीएस जो है आपके लिए काफी आइडियल चॉइस होने वाला है। और हाल ही में मैंने भी अपना आरटीएक्स 2080 वाला गेमिंग पीसी के लिए एक यूपीएस ले लिया है। दिस इज दी एपीसी बीआर 1500G। ये जो यूपीएस है ये एपीसी की तरफ से उनका फ्लैगशिप यूपीएस है, जिसमें आप जो है वॉट कंजम्पशन देख सकते हो, जिसमें आप जो है लोड देख सकते हो, जिसमें आप जो है बहुत सारी चीजें और भी मॉनिटर कर सकते हो, जिसको आप जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो, क्योंकि ये एक नॉर्मल यूपीएस नहीं है, ये एक्चुअली में एक स्मार्ट यूपीएस है। एंड आपके गेमिंग पीसी के लिए ये वाला जो यूपीएस है आई थिंक एक बहुत ही बढ़िया चॉइस हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही यूपीएस के बारे में बात करने वाले हैं, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही में घंटा वाला आइकन को दबा दो ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को मिस ना करो। एंड अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स चेक आउट द एपीसी बीआर 1500G। बॉक्स में आपको ये यूपीएस मिलता है और एक RJ45 USB केबल मिलता है जो कि काफ़ी लॉन्ग है, तो आपको उसको अपने पीसी से कनेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसी के साथ आपको एक और केबल देखने को मिल जाता है आपके टेलीफोन लाइन प्रोटेक्शन के लिए, और उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिल जाता है जैसे कि वारंटी गाइड, यूज़र मैनुअल। तो अगर आप अपने यूपीएस के बारे में पूरी तरीके से जानना चाहते हो तो मेक श्योर कि आप इसका जो मैनुअल है उसको सही तरीके से पढ़ लें। दैट्स इट, यहाँ पर आपको बॉक्स में इतना ही कुछ मिलता है। बट सैडली इस यूपीएस का जो मेन पावर कॉर्ड है वो 1.5 मीटर का एक 16 एम का बिग पावर कॉर्ड है, तो ये आपका नॉर्मल 6 एम्पर वाला प्लग में नहीं लगेगा, उसके लिए आपको कुछ इस तरीके का एक्सटेंशन बोर्ड या फिर बिगर प्लग यूज़ करना पड़ेगा। एपीसी का प्रो सीरीज में आपको दो यूपीएस देखने को मिलता है, एक तो F1000VA वाला जो कि आपको अमेजोन में देखने को मिल जाएगा अराउंड 9500 का, और एक है ये 1500VA वाला जो मेरे पास है, ये आपको अमेजोन में मिल जाएगा 16000 का, और ये 2 साल वारंटी के साथ आता है। तो 2 साल में कुछ भी होता है तो आप जो है एपीसी को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो आपके घर में जो है उनका जो मैकेनिक्स है वो भेजेगा। एंड मैंने पहले भी एपीसी का यूपीएस यूज़ कर रखा है, उनका जो आफ्टर सेल सर्विस है वो काफ़ी रिलायबल है एंड काफ़ी बढ़िया है, तो आफ्टर सेल सर्विस में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। बट वीडियो के एंड में अगर आपको ये वाला पावर सप्लाई पसंद आ जाता है और आप भी ये वाला पावर सप्लाई को खरीदना चाहते हो तो इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आकर आप ये वाला जो पावर सप्लाई है इनको खरीद सकते हो अपने पीसी को पावर देने के लिए, या फिर अपने कॉन्सोल्स को जो है उसको भी पावर देने के लिए आप इस यूपीएस को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया है ये एक 1500VA का यूपीएस है, यानी कि ये मैक्सिमम 865W का आउटपुट प्रोवाइड कर सकता है। इसमें आपको 9Ah का दो बैटरीज दिया गया है जिसको आप इन फ्यूचर रिप्लेस भी कर सकते हो, अगर आपका बैटरीज जो है 3-4 साल बाद ख़राब हो जाता है तो आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हो। तो जैसे कि ये यूपीएस 865W का मैक्सिमम आउटपुट प्रोवाइड कर सकता है, तो आप इस यूपीएस को आपके हाई एंड सिस्टम के साथ भी यूज़ कर सकते हो बहुत ही आराम से। सिर्फ पीसी ही नहीं, आप इसको अपने PS4, Xbox, PS5 सभी के सभी कॉन्सोल्स को यहाँ पे बैकअप देने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उस सिचुएशन में आपको पीसी से बहुत ज़्यादा बैकअप देखने को मिल जाएगा, अगर आप इसको अपने PS4 या फिर PS5 के साथ चलाते हो तो आपको पीसी से बहुत ज़्यादा बैकअप टाइम जो देखने को मिल जाएगा। और इसका एग्जैक्ट बैकअप टाइम के बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे चल के बात करने वाले, तो तब तक इस वीडियो के साथ बने रहें। बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की बात करें तो ये देखने में एक ITX पीसी की तरह दिखता है और काफ़ी स्टाइलिश एंड स्लिम भी है, तो आपके डेस्क में या फिर फ्लोर में ज़्यादा जगह नहीं लेगा।
और ना ही देखने में ऑड लगेगा। सामने आपको एपीसी का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है और एक छोटा सा एलसीडी स्क्रीन भी दिया गया है फ्रंट में, जहां से आप इसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को यहां पे मॉनिटर कर सकते हो। इसके ऊपर आपको तीन बटन दिया गया है, एक म्यूट बटन जिससे आप इस यूपीएस का जो बजर है उसको कम्प्लीटली म्यूट कर सकते हो, क्योंकि हम सबको पता है कि यूपीएस का बजर जो है कितना अनॉइंग होता है, तो आप इसको कम्प्लीटली यहां पे शट डाउन कर सकते हो। उसके बाद आपको मिलता है इसका पावर बटन एंड देन आपको मिलता है एक मोड टॉगल स्विच, जहां से आप इसके सभी किसी भी मोड्स के बीच में टॉगल कर सकते हो। और ये तीनों स्विच जो बैकलिट है, तो यहाँ पे अगर आप अपने यूपीएस को अपने डेस्क के नीचे रखते हो जहाँ पे कोई अंधेरा रहता है, तो आपको इसको प्रेस करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। यूपीएस का दोनों साइड में एज वेल एज टॉप में आपको अच्छा खासा वेंटिलेशन दिया गया है इसका बैटरी को कूल रखने के लिए, एज वेल एज इसमें आपको एक बड़ा सा फैन भी दिया गया है इसका जो बैटरी है एंड जो सर्किट बोर्ड है उसको अच्छे तरीके से कूल रखने के लिए। यूपीएस का पीछे आपको 6 एसी आउटपुट पोर्ट्स दिया गया है, इसमें से 4 पोर्ट्स आर बैक्ड अप बाय यूपीएस बैटरी और बाकी के जो 2 पोर्ट्स है वो सिर्फ सर्ज प्रोटेक्ट ही यहाँ पे ऑफर करता है, विच इज़ रियली गुड। आप इसमें मैक्सिमम 4 आउटलेट्स को कनेक्ट कर सकते हो और चाहो तो कोई और कंपोनेंट्स भी कनेक्ट कर सकते हो, विच विल बी सेफ एज वेल। यहाँ आपको एक सर्किट ब्रेकर रिसेट स्विच भी दिया गया है, इनकेस अगर आपका यूपीएस मैनुफैक्चरिंग करे तो आप इस बटन के जरिए अपना जो यूपीएस है उसको रीसेट भी कर सकते हो। ऊपर के साइड में आपको एक बैटरी एक्सटेंशन के लिए एक पोर्ट भी दिया गया है, जहाँ पे आप एपीसी का एक्स्ट्रा बैटरी भी ऐड कर सकते हो और ऐड करके अपना जो बैकअप टाइम है उसको डबल कर सकते हो। और एक RJ45 जैक, जहाँ पे आप इसमें दिया गया RJ45 जैक टू यूएसबी पोर्ट के जरिए आप इसको पीसी से कनेक्ट कर सकते हो और कनेक्ट करके इसका जो सॉफ्टवेयर फीचर्स है उसको कंट्रोल या फिर मॉनिटर भी कर सकते हो, जो कि काफ़ी यूनिक एंड ऑसम सा फीचर है जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे चल के बात करने वाले हैं, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। अब इसका थोड़ा बहुत फीचर्स की बात करें तो एपीसी का BR1500G आता है AVR टेक्नोलॉजी के साथ, यानी कि ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेशन, तो ये आपके पीसी या फिर कॉन्सोल्स को ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट भी करेगा एज वेल एज आपको अच्छा खासा बैटरी बैकअप भी प्रोवाइड करेगा। एक और बात यह कि इसका जो AC टू DC स्विचिंग टाइम है वो यहाँ पे काफ़ी कम है, ओनली अराउंड 10 मिलीसेकंड्स का, जो कि इन्वर्टर से काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, तो करंट जाने के बाद आपका जो स्विचिंग टाइम है वो काफ़ी कम होगा, इसलिए आपको आपका पीसी जो है शट डाउन नहीं होगा एंड आपको जो है कंटिन्यूस पावर मिलता रहेगा। इसके सामने दिया गया स्क्रीन से आप इस यूपीएस का हर एक चीज़ को मॉनिटर कर सकते हो, जैसे कि ये कितना मैं इसका बैकअप प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके बाद इवेंट्स, आउटपुट वोल्टेज कितना है इस यूपीएस का, एसी इनपुट वोल्टेज कितना आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे आपका पीसी या फिर कंसोल जो है कितना वाट कंज्यूम कर रहा है वो आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हो, जिसकी वजह से मैं NZXT का E850 वाट पावर सप्लाई लेने का सोचा था, जिसमें जो है आप वोल्टेज को मेजर कर सकते हो कि कितना वाट यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है। अब वो काम मेरा यूपीएस से कर रहा है, विच इज़ वन ऑफ दी बेस्ट फीचर ऑफ दिस यूपीएस मेरे हिसाब से, क्योंकि आप जो है अपना वोल्टेज को यहाँ पे मेजर कर सकते हो कि कितना वाट कंज्यूम हो रहा है, तो इससे आपको पता चल जाए कि आपका जो पीसी है वो मंथली कितना वाट कंज्यूम करता है एंड उस हिसाब से आप अपना जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है उसका पता भी लगा सकते हो। उसके बाद लोड कितना है इस यूपीएस में वो आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हो एंड लास्टली करंट फ्रीक्वेंसी, इतने सारी चीज़ आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हो। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं यहाँ पे हमेशा इसको वाट मोड पे रखता हूँ, जिससे मेरे को पता चलता रहता है कि मेरा पीसी जो है कितना वाट यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है। वाट की बात कर ही रहे तो ये यूपीएस फुल लोड पे 85% एफिशिएंसी प्रोवाइड कर सकता है, तो अगर आपका पावर सप्लाई 80+ ब्रॉन्ज या फिर गोल्ड सर्टिफिकेशन के साथ नहीं आता है तो आपका यूपीएससी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है एंड ये जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी काफ़ी ज़्यादा सेव करेगा। और ये मुझे काफ़ी बढ़िया फीचर लगा इस यूपीएस का, क्योंकि मेरा पावर सप्लाई एज वेल एज यूपीएस दोनों ही काफ़ी एफिशिएंट है, तो इसके जरिए इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी काफ़ी ज़्यादा सेव होगा। इस यूपीएस के साथ एक सॉफ्टवेयर भी आता है पावरशूट नाम का, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक से, जहाँ से आप इस यूपीएस का टोटल वॉट कंजम्पशन, एक्टिव लोड, रिमेनिंग बैटरी परसेंटेज, सभी चीज़ों को यहाँ से मॉनिटर कर सकते हो और करंट जाने पे अपने पीसी को जो है ऑटोमेटिकली शट डाउन भी कर सकते हो कुछ मिनट्स के बाद। तो ये काफ़ी बढ़िया फीचर लगा है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं कई बार बाहर रहता हूँ और मेरा जो पीसी है उसमें कुछ डाउनलोड वगैरह चलता रहता है, तो करंट जाने के बाद ये यूपीएस जो है ऑटोमेटिकली आपके पीसी को जो है 5 मिनट या फिर 10 मिनट बाद, जो भी आप सेट करोगे यहाँ पे, उतने मिनट बाद अपने आपके पीसी को शट डाउन कर देगा, जिससे आपका पीसी में जो भी एक्टिव वर्क रहेगा वो जो है यहाँ पे करप्ट नहीं होगा। बट इस यूपीएस का सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए पहले आपको इस यूपीएस को अपने यूएसबी केबल के जरिए अपने पीसी में कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद जाके इसके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी जाके इसका जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल होगा, वरना इंस्टॉल नहीं होगा। उसके बाद जाके आप इसके सारे के सारे चीज़ को मॉनिटर कर सकते हो एंड बहुत सारी चीज़ों को आप अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हो, जैसे कि इनपुट वोल्टेज या फिर आउटपुट वोल्टेज, वो सारी चीज़ों को आप जो अपने मर्जी मुताबिक कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो एपीसी का ये जो BR1500G यूपीएस है ये सिर्फ एक नॉर्मल यूपीएस नहीं है, इसमें आपको बहुत सारे स्मार्ट फीचर्स दिया गया है जिसको आप मॉनिटर कर सकते हो, जिसको आप जो है कस्टमाइज़ कर सकते हो, एज वेल एज ये आपके पीसी को लाइटनिंग स्ट्राइक से एज वेल एज ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट भी करता है। अब फाइनली बैटरी बैकअप एंड चार्जिंग टाइम की बात करता हूँ, मैं इस यूपीएस को अपने पीसी के साथ यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें एक Ryzen 5 3600 CPU लगा हुआ है
और ग्राफिक कार्ड में एक RTX 2080 लगा हुआ है, विच इज़ अ यू नो बीस्ट काइंड ऑफ पीसी। एंड इसमें मैंने बहुत सारा RGBs लगा रखा है, मेरा रैम्स जो RGB है, मेरा CPU फैंस जो RGB है, इसमें एक लिक्विड कूलर भी लगा रखा है। तो इतने सारी चीज़ मैंने अपना CPU में लगा रखा है और मैं इस APC का UPS को मेरे PC के साथ अराउंड 1 वीक से अभी यूज़ कर रहा हूँ। एंड मैंने एक प्रॉपर इसका जो बैटरी बैकअप टेस्ट है वो किया था, फुल चार्ज करने के बाद मैंने इसका बैटरी को ड्रेन टेस्ट किया, जहाँ पे मैंने इसको फुल चार्ज करने के बाद इसका जो AC पावर है उसको यहाँ पे खोल दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने इस अपना जो PC है उसमें कुछ गेम्स खेला, कुछ हाई एंड गेम्स जैसे कि Red Dead Redemption 2, उसके बाद Apex Legends, ये सारे खेला। तब तक ये सारे गेम्स को खेला जब तक मेरा जो UPS है उसका बैटरी ड्रेन नहीं हो जाता टोटली एंड मेरा जो PC है वो यहाँ पे शट डाउन नहीं हो जाता है। तो मुझे इस UPS से एग्जैक्ट इस CPU के साथ अराउंड 25 मिनट्स का बैटरी बैकअप मिला, जहाँ पे मैंने एक 750 वाट का पावर सप्लाई लगा रखा है। एंड गेमिंग के टाइम मेरा UPS में मैक्सिमम लोड दिखा रहा था अराउंड 360 वाट्स से लेकर 370 वाट्स तक, जहाँ मैंने मेरा CPU एंड मॉनिटर दोनों ही कनेक्ट कर रखा था। बट डू नोट दैट जितना लोड यहाँ पे आप बढ़ाओगे उतना इसका जो बैकअप है वो यहाँ पे मतलब जो बैकअप टाइम है वो यहाँ पे कम होता रहेगा। बट आई थिंक कोई भी हाई एंड CPU के लिए 25 मिनट्स बैकअप जो है इज़ वे इनफ, क्योंकि ज़्यादातर टाइम में इलेक्ट्रिसिटी जो है सिर्फ 10 टू 15 मिनट्स के लिए जाता है। एंड आई होप कि यहाँ पे आपका जो काम है वो यहाँ पे 25 मिनट्स के अंदर अंदर यहाँ पे आप फिनिश कर सकते हो या फिर आप उसको सेव कर सकते हो बहुत ही आराम से। तो बैकअप टाइम में ये वाला UPS मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया, ये वाला UPS से मुझे काफ़ी अच्छा खासा बैकअप मिल रहा था। बात करें चार्जिंग टाइम के बारे में तो बॉक्स में लिखा हुआ है इस UPS को चार्ज करने में अराउंड 8 आवर्स तक टाइम लग सकता है, बट मेरे टेस्ट में इस UPS को चार्ज होने में फुल चार्ज होने में 0 to 100% होने में अराउंड 7 आवर्स 15 मिनट्स तक लगा है। और कमाल की बात ये कि ये वाला जो UPS है चार्जिंग के लिए इसका जो बैटरी है उसको चार्जिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ 30 वाट लेता है, विच इज़ वेरी वेरी लेस एक बड़ा बैटरी को चार्जिंग करने के लिए। तो अगर आप सोच रहे हो कि इसका बैटरी चार्ज होने में काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कंज्यूम होगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे ये वाला जो UPS है काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है चार्जिंग में भी एज वेल एज इसको मतलब आपके PC को पावर देने में भी, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ चिंता नहीं करना पड़ेगा। एक और बात यह कि ये एक ऑलवेज ऑन UPS है, मतलब कि आप इस UPS का जो मेन प्लग है उसको कभी भी खोल नहीं सकते हो, खोलने से आपका जो बैटरी डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कंपनी बोलता है कि आप इस UPS को हमेशा प्लग से लगाए रखो एंड इसका जो स्विच है वो यहाँ पे हमेशा ऑन करके रखो। अगर आपको UPS को ऑफ करना है या फिर आपके PC से कनेक्शन को यहाँ पे टोटली ऑफ करना है तो आप UPS में दिया हुआ जो पावर बटन है उससे आप UPS को ऑफ कर सकते हो, बट जो मेन करंट है उसको यहाँ पे आप डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते हो। तो अगर आप अपने गेमिंग PC के लिए कोई अच्छा खासा स्मार्ट UPS लेने का सोच रहे हो, विच यू शुड, क्योंकि APC का UPS आपके PC या फिर कॉन्सोल्स को काफ़ी सारे चीज़ों से यहाँ पे सेव करता है या फिर प्रोटेक्ट करता है एज वेल एज बिजली का बिल भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेव करता है, तो आप APC का प्रो सीरीज़ का UPS को कंसिडर कर सकते हो, जहाँ पे आप जो है बहुत सारी चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हो। बट अगर आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैटरी बैकअप चाहिए तो यहाँ पे आप जो है APC का नॉर्मल वाला जो सीरीज़ है उसको भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। बट अगर आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फीचर चाहिए, थोड़ा बहुत यहाँ पे आप जो है चीज़ों को मॉनिटर करना चाहते हो तो आप जो है APC का प्रो सीरीज़ का UPS को कंसिडर कर सकते हो, जिसके साथ आप जो है अपना CPU का वोल्टेज को मेजर कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पे इनपुट आउटपुट वोल्टेज को मेजर कर सकते हो एज वेल एज करंट जाने के बाद अपना CPU को जो है शेड्यूल पावर ऑन ऑफ भी कर सकते हो और अपने वर्क्स को जो है सेफली सेव कर सकते हो। बाकी कंक्लूजन्स की बात करता हूँ, मुझे इस UPS का सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ बुरा लगा है, वो है इसका फैन नॉइज, जो कि काफ़ी ज़्यादा है और जब तक इसका बैटरी जो है फुल चार्ज नहीं हो जाता तब तक ये फैन चलता रहेगा एंड आप इसको यहाँ पे मैनुअली शट डाउन नहीं कर सकते हो, बट फुल चार्ज होने पे इसका जो फैन है वो यहाँ पे ऑफ हो जाता है। सो दैट वाज प्रीमियम वीडियो गाइस, होपफुली आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा और इन दिन अगर आपको ये वाला UPS पसंद आए, आप इसको अपने PC के लिए या फिर PC या फिर PS4 या फिर Xbox के लिए खरीदना चाहते हो तो इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप ये वाला जो UPS है उसको डायरेक्टली खरीद सकते हो, साथ साथ हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। एंड अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ घंटे वाला आइकन दबा दो ताकि आप हमारे आने वाले जो वीडियोस है उसको मिस ना करो। और मैं आपसे एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए यार बाय बाय।